अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ मटन रोगन जोश। मटन रोगन जोश के लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं, तो आइए देख लेते हैं। ये मैंने लिया है मटन 1 किलो, 1 कप ली है दही, 1 कप प्याज पिसी हुई, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 3 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और कुछ लिए हैं साबुत मसाले। तो साबुत मसालों में मैंने तेज़पत्ता, जावित्री, जायफल, इलायची, जीरा, लौंग, ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। तो इनको मैंने डालूंगी बाद में पीस कर मटन में, और कुछ डालूंगी मैं भुनते टाइम। ये मैंने लिया है घी 1 कप, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, मैंने ये घी लिया है देसी घी। और अब गर्म हो चुका है घी, अब इसमें डाल दूंगी पिसी हुई प्याज, और अब इनको भून लूंगी मैं 3 से 4 मिनट के लिए प्याजों को, जब तक इनका पानी अच्छे से सूख जाए और तेल छोड़ दें प्याज। और इसमें कुछ साबुत मसाले, इलायची, जीरा और तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, ये मैंने डाल दी, और अब इनको भून लूँगी मैं। ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से भुनने लगी हैं, तेल भी छोड़ने लगी है, और अब इसमें डाल दूँगी मैं मटन। और अब मटन के साथ, प्याज के साथ मटन को भून लूँगी मैं 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से हमारा मटन भुन जाए और प्याज भी भुन जाए और इनका कलर एकदम चेंज हो जाए मटन का। तब इनको भून लूँगी मैं। तो 5 से 6 मिनट ये मुझे भूननी है, ढककर रख दूँगी मैं इनको 5-6 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा मटन कितना अच्छे से भुन चुका है, और प्याज भी अच्छे से भुन चुकी हैं। ये देखिए, और अब इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। ये मैंने 4 हरी मिर्च और 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लेकर उनको एक जार में पीस लिया तीनों चीज़ों को। इसको भी भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। डाल देंगे इसमें हल्दी, और अब इसको मिलाकर अच्छे से इसको ढककर रख दूंगी मैं 3 से 4 मिनट के लिए। ये इसको जब तक कि अच्छे से भुन जाए, तेल छोड़ने लगे मसाला। ये देखिए अच्छे से मसाले, लहसुन अदरक प्याज मटन अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं पानी, ये मैंने 2 कप पानी लिया है, 400 ml पानी है, और अब इसको ढककर पकाऊंगी मैं 30 मिनट के लिए, जब तक हमारा मटन अच्छे से गलने लगेगा। और अब इसमें नमक डालकर इसको ढक दूंगी मैं 30 मिनट के लिए। तो इसको थोड़ा सा चला लेंगे और ढककर रख देंगे, और ये पकानी है 30 मिनट, जब तक अच्छे से ये मटन हमारा गलने लगेगा। तो ये देखिए मटन अच्छे से गलने लगा है, देखिए हड्डियों में से मांस छोड़ने लगा है। तो ये हमारा, अब इसमें डाल देंगे हम मसाले, जो बचे हुए मसाले हैं। ये मैंने दही में सारे मसाले मिला लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला, सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया, और अब इसमें पेस्ट बनाकर मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसको चलाते हुए पका लेंगे, और इसको ढककर रख दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट इसमें लगेंगे, जब तक हमारा मटन अच्छे से गल जाए। बस अब इसको हम रख देंगे ढककर,
15-20 मिनट के बाद इसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा मटन एकदम तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल दूँगी, मैंने साबुत मसाले पीसे हैं मोटे मोटे, उनको मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसको ढककर रख दूँगी मैं 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर, ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए घी, और अच्छे से स्लो आंच पर इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो ये हमारा मटन रोगन जोश तैयार है। तो गैस बंद कर देंगे, इसको ऊपर डाल दूँगी धनिया, और ये हमारा मटन एकदम तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।